गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावर लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपडेट किया था, वो वीडियो आप सभी को देखना है कि आपको क्या क्या कैरी करना है एग्जाम सेंटर के लिए, ठीक है। एंड एडमिट कार्ड को किस टाइप से, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसके अलावा अब हम बात करते हैं एग्जाम हॉल में आप एग्जाम दे रहे हो तो उस टाइम जब आपको ओमरशिप मिलेगी, एंड बता देता हूँ क्लास सिक्स और क्लास नाइन दोनों का ही जो एग्जाम है ओमर बेस्ड एग्जाम है, मीन्स आपको लिखना नहीं होगा, आपको ओमरशिप पे पेपर देना। कैसे ओमरशिप पेपर देंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा बड़े। एंड इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट क्लास सिक्स या नाइन के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उनका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियर। नेगेटिव मार्किंग का मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेटे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखना है, कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर एक बच्चे को कंप्लीट क्वेश्चन करके आना बेटे, ठीक है। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ होंगे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसका रीजन ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको नहीं आ रहा फिर भी आप उसको कर रहे हो सकता है आपका करेक्ट हो सकता है क्योंकि मार्क्स डिटेक्ट हो नहीं रहा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन आपको करके आना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एनटी है उसका जो ओरिजिनल ओमरशिट है, ओरिजिनल ओमरशिट तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा बेटे, ठीक है, एनटीए का। बट जो भी ओमरशिट है उनका ऊपर का परफॉर्मेंस लगभग सेम सा ही होता है बेटे। नेम का आता है ऑप्शन, रोल नंबर का आता है, एग्जाम सेंटर का आता है, बुकलेट नंबर का आता है, एंड नीचे का परफॉर्मेंस लगभग सेम सा रहेगा आपका। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है एंड आपका आंसर एबीसीडी एबीसीडी क्वेश्चन नंबर एबीसीडी क्वेश्चन नंबर एबीसीडी, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपका परफॉर्म होगा इसमें क्लास सिक्स के लिए तो आपके 125 क्वेश्चंस होंगे एंड क्लास नाइन्थ के लिए 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ओमरशिप में आपको अपना नेम कैसे राइट करना है, रोल नंबर कैसे राइट करना है, उन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेम, क्लियर। एंड ये मैं आपको लास्ट में बता चुका, ओनली आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, ब्लैक या ब्लू पेंसिल यूज नहीं करना है, ठीक है, एंड जेल पेन यूज नहीं करना है। एंड यहाँ पे देखो, एंड इसके अलावा कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमें कार्डबोर्ड साथ लेके जाना है या नहीं है, जैसे जो लास्ट वीडियो था उसमें कई बच्चे बोल रहे थे, तो कार्डबोर्ड आपको नहीं लेके जाना, ठीक है, क्योंकि पेपर आपको इतना बड़ा पेपर मिलेगा, पेपर के ऊपर आप आराम से ओमरशिप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कार्डबोर्ड ले जाना कंपलसरी नहीं है, एंड आपको लगे तो आप ले जा भी सकते हो, वरना कंपलसरी नहीं है, विदाउट कार्डबोर्ड भी आप एग्जाम दे सकते हो एंड अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। तो हमें बात करते हैं, एंड कुछ बच्चों ने मैसेज किया था सर मैं वॉच लेके जा सकता हूँ, वॉच वगैरह आपको नहीं लेके जानी, क्योंकि वहां पे बहुत जो एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जो टीचर्स वगैरह होंगे, आप उनसे टाइम पूछ सकते हो टाइम टू टाइम, या फिर वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम लेफ्ट है, वो चीज आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा मोबाइल अलाउ नहीं है, वॉच भी अलाउ नहीं है, एंड आपको कुछ भी डाउट हो, किसी भी टाइप का आपको डाउट हो, ओमरशिप में आपको समझ में नहीं आ रहा कि ओमरशिप में क्या फिलअप करना है, रोल नंबर कैसे फिलअप करना, पहली बार आपको मिस्टेक नहीं करना कोई भी, एंड जो समझ में नहीं आ रहा वो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो, क्वेश्चन पेपर नहीं, ओनली डिटेल्स, ठीक है। आप बोलोगे सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आ रहा तो इसको कैसे करूंगा, वो नहीं बताएगा आपको, वो आपको बताएगा आपको नेम फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे फिलअप करना आपकी हेल्प करेगा, रोल नंबर कैसे फिलअप करना हेल्प करेगा, एंड सेंटर कोड कहां पे फिलअप करना कैसे फिलअप करना है वो आपकी हेल्प करेगा, सब कुछ आपको समझाएगा। तो जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उन सभी को फॉलो करना है, समझना है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि सर मेरे आगे वाले बच्चे के फर्स्ट क्वेश्चन मेरे 5 क्वेश्चन है एंड मेरे आगे वाले बच्चे के जो 10 क्वेश्चन मेरे 11 क्वेश्चन है, तो देखो बड़े होगा क्या, तो आपका पेपर 3-4 सेट बनते हैं, पेपर के क्वेश्चन सेम होते हैं, 1-5 उसके होंगे, 1-5 आपके होंगे, एंड सेम क्वेश्चन रहेंगे, बट उसमें उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। जब ए सेट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन नंबर 217, एंड जो सेट बी सेट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को 10 पे भी कर सकता है, 15 पे भी कर सकता है, एंड इसी टाइप से सी सेट है उसमें उसका सीक्वेंस और ज्यादा चेंज कर देगा। तो मींस पेपर आपका सेम है, क्वेश्चन सेम है, उनका सीक्वेंस चेंज किया जाता है, एंड वो क्यों चेंज किया जाता है, बच्चे चीटिंग ना करे, क्योंकि जैसे एक आगे बच्चा बैठा उसका ए सेट है, पिछले वाले के बी सेट है, एंड उसे पिछले वाले के सी सेट है, तो होगा क्या, जैसे ए सेट वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन हो, बी सेट वाले को और कोई क्वेश्चन होगा, उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज रहेगा, सीक्वेंस चेंज रहेगा, तो उससे क्या करेगा, पीछे बैठे वाला जो पीछे बच्चा बैठा है वो आगे वाले बच्चे की चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग है, वो पूरा क्वेश्चन पूछेगा तभी वो उसको आंसर दे सकता है, बाकी ऐसे नहीं कर सकता कि 1-1 में 2 कर दो, ये सारा नहीं कर सकता वो, क्योंकि उनका पेपर सेट जो पेपर कोड बुकलेट
जो उनका जो बुकलेट है, पेपर का नंबर है, सीक्वेंस है, जो आपको ए बी सी डी जो भी आता है वो सबका अलग अलग होता है। तो जो क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन सीक्वेंस वो अलग अलग डिफरेंट होता है, इसलिए बच्चे चीटिंग नहीं कर सकते बड़ी। ठीक है, अब यहां पे बात करें कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले बात करते हैं, यूज ब्लैक ब्लू पेन ओनली टू राइट एंड डार्कन द सर्कल्स। सर्कल को डार्क करना है तो आपको कौन सा पेन यूज करना है, ब्लू या ब्लैक पेन, एंड कैसा बॉल पेन आपको यूज करना है, जेल पेन यूज नहीं करना है। ठीक है, यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन, ब्लैक या ब्लू पेन आपको यूज करना है, राइट एंड डार्कन, कुछ भी इसमें राइट करना हो डिटेल आपको राइट करनी है तब, एंड डार्कन, डार्कन द सर्कल, जो सर्कल जाएंगे वो डार्क करने के लिए, ब्लैक या ब्लू, एंड मेरे अकॉर्डिंग ब्लैक बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं करेक्ट मेथड, आपको कोई भी सर्कल को डार्क करना हो इस टाइप में डार्क करना, देखो एकदम प्रॉपर वे में डार्क किया हुआ है, एकदम प्रॉपर वे में डार्क किया हुआ है, आपको इस टाइप से नहीं करना जैसे कि आपने कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको राइट क्लिक कर दिया, एक पॉइंट करके छोड़ दिया, इसको हाफ डार्क कर दिया, ये चीजें नहीं चलेगी, वो इनकरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि पेपर ओमार जो ऑप्टिकल मार्कर उससे चेक होगा, मशीन से चेक होगा, तो इसमें अगर आप गलत करते हो तो वो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं ये इस टाइप से आपको प्रॉपर सर्कल करना है, मैं आपको डिटेल्स आपको बताता हूँ कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले नेम की बात करते हैं, क्लियर, सबसे पहले नेम की बात करते हैं, तो जो आपका घर पे नेम है वो आपको राइट नहीं करना है, जो आपका घर पे नेम है वो आपको राइट नहीं करना है। ठीक है, वो आपको राइट नहीं करना है, तो घर वाला नेम आपको राइट नहीं करना है। इसके अंदर करना है क्या, आपको जो आपको डॉक्यूमेंट में आपको जो नेम दे रखा है, डॉक्यूमेंट से जो भी आपका नेम मीन एडमिट कार्ड में जो आपका नेम दे रखा है, जैसे मान लो अनिल कुमार है, आगे सर नेम भी लगाया हुआ है, तो कंप्लीट डिटेल्स वही आपको राइट करनी है, आपको कुछ से राइट नहीं करना, जैसे कि आपको घर पे लगा नाम है बबलू नेम है किसी का, तो आप ऐसे वहां पे बबलू का आपको राइट नहीं करना, आपको जो एडमिट कार्ड में जो नेम दे रखा है एंड उसमें सरनेम भी मेंशन कर रखा है तो वो भी आपको राइट करना है। तो जो एडमिट कार्ड में नेम है, जो स्पेलिंग है वही आपको राइट करनी है। जैसे सपोज करो कि आपका नेम है अनिल कुमार, अनिल कुमार, ठीक है, तो कैसे राइट करोगे आप, अनिल कुमार नेम है तो इसमें आपको ए राइट करना होगा, ए जो ये आपको ब्लैक पेन यूज करना पड़े, ठीक है, ब्लैक पेन यूज करना पड़े, ध्यान देना। ठीक है, मैं तो यहां पे बात करता हूं, आपका नेम है अनिल कुमार, तो आप कैसे राइट करोगे, यस अनिल कुमार, अनिल और कुमार दोनों में स्पेस है, एक चीज एक और चीज बता दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे ए है उसको एक वाइस लिख रहे हैं, तो बड़े ए नहीं गलत है। ठीक है, आपको कैसे राइट नहीं करना, इस सर्कल के बाहर नहीं आना चाहिए, आपको कैसे राइट करना, ए राइट करते हैं, ए फिर एन कैपिटल लेटर से राइट करना है, ये भी ध्यान देना, कैपिटल लेटर्स में राइट करना है। ठीक है, ए के पास एन, ए एन आई एल एंड फिर कुमार, उसके बीच में स्पेस है तो आपको एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, फिर क्या करना आपको, कुमार के यू एम ए आर एंड आगे भी अगर कुछ दे रखे हैं, अनिल कुमार जो भी आपको आगे दे रखा है, शर्मा वगैरह, अगर मान लो अनिल कुमार शर्मा है तो फिर आप एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ दो, फिर शर्मा एस एच ए आर एम ए, ये सब कुछ जो आपको एडमिट कार्ड में देगा वही आपको राइट करना है। ठीक है, खुद से राइट नहीं करना, जैसे एडमिट कार्ड में अनिल कुमार फिर आप शर्मा वगैरह तो गलत है, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ अनिल कुमार शर्मा तो अनिल कुमार शर्मा ही आपको राइट करना है, समझ रहे हो बेटे, तो एंड कैपिटल लेटर में राइट करना है, एंड जैसे मैंने राइट किया एकदम अच्छे से राइट करना है, जो बॉक्स दे रखा है इसमें टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉक्स में टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद स्कूल नेम, जो भी आप जिस भी स्कूल के लिए फॉर्म फिलअप किया है, जैसे मान लो चित्तौड़ के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो यहाँ पे आपको राइट करना सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, मैं इसको ग्राफ कर देता हूँ, कैसे राइट करेगा इसको राइट करना, तो कैसे राइट करेगा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, यहाँ से रीवा राइट कर देते, सेना स्कूल, सैनिक स्कूल रीवा, राइट करो कैसे करोगे, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल रीवा, एस ए आई एन आई के, सैनिक स्कूल एस सी एच डबल ओ एल, रीवा आर ई डब्ल्यू ए, क्लियर, ये आपको इस टाइप से राइट करना पड़ेगा, इस टाइप से आपको राइट करना कैपिटल लेटर्स में ब्लैक पेन से, ब्लू भी यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अब आपका रोल नंबर, देखो यहाँ पे जो रोल नंबर है, अब जो कुछ बच्चों का रोल नंबर है 11 डिजिट का है 12 डिजिट का है, तो मेन इंपोर्टेंट रोल नंबर कैसे आप राइट करोगे, जैसे मैं इसको थोड़ा देखो थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, इसे रोल नंबर आपका, ठीक है, रोल नंबर आपका 10 डिजिट 11 डिजिट जो भी है, आपको कैसे राइट करना उसकी बात करते हैं। तो रोल नंबर आपको सबसे पहले करना है क्या, बैक साइड से राइट करना, इस साइड से आपको राइट करना है,
आपको बैक साइड से राइट करना है, समझ रहे हो, रोल नंबर आपको बैक साइड से राइट करना है। जैसे मान लो आपका 10 डिजिट का रोल नंबर या फिर 11 डिजिट का बॉक्स दे रखा है, तो आपको बैक साइड से राइट करना है। मान लो सपोज करो रोल नंबर है 8 2 6 4 2 3 0 1 5 6, ये रोल नंबर है। एंड बट एक बॉक्स अब खाली रह रहा है, ब्लैंक रह रहा है, उसमें आपको जीरो करना है। एक बॉक्स अगर खाली रह रहा है उसमें आपको जीरो करना है, समझ में आ गया। रोल नंबर आपको बैक साइड से राइट करना है, बैक साइड से राइट करना है, क्योंकि अगर मैं इधर से राइट करता ब्लैंक रह रहा, इसमें जीरो करता तो आपका रोल नंबर चेंज होता। जीरो आप पहले लगा सकते हो, बाद में नहीं लगा सकते, समझ रहे हो, क्योंकि जैसे मान लो आपका रोल नंबर जैसे 123 है, आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो 123, ठीक है, आप इसको 0123 राइट कर सकते हो, आप इसको 1230 राइट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको बैक साइड से राइट करना है, आगे जो भी ब्लैंक्स रहता है उनमें जीरो राइट करना है, ठीक है। तो ये आपका रोल नंबर हो गया। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, रोल नंबर भी आपको आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें जो जीरो है तो आपको डार्क किसको करना है, जो जीरो जो आपको देगा इसी को डार्क करना है, जो जीरो वाला जो बॉक्स दे रखा है इसी को डार्क करना है, एंड एकदम प्रॉपर डार्क करना है, ठीक है। जो आपको जीरो जो सर्कल दे रखा है उसी को आपको डार्क करना है, जिस जीरो दे रखा है मैंने इसको डार्क कर दिया, यस ये देखो जीरो है, इसको मैंने डार्क कर दिया, इस टाइप से आपको डार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिक्स है, तो इसमें किसको, सिक्स को डार्क करना है, जो सिक्स जो ये सर्कल देगा इसको डार्क करना है आपको, जो सिक्स जो देगा इसको डार्क करना है, ये जो सिक्स देगा इसी को डार्क करना है आपको, ये जो सिक्स है तो इसके सिक्स के अपॉन में सिक्स है, इसी को डार्क करना है, सिक्स के अपॉन में सिक्स देगा उसी को डार्क करना होगा। जब मैंने यहाँ पे सिक्स को डार्क कर दिया, ये ध्यान देना बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, एंड आपने रोल नंबर मिस्टेक करते आपका रिजल्ट नहीं आएगा, रोल नंबर में अगर आपने मिस्टेक कर दिया आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बड़े ध्यान देना, ठीक है। मैंने सिक्स को डार्क कर दिया, इसके बाद आप चाहो लाइन के अंदर अंदर रख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फाइव है तो मैं इसमें फाइव को डार्क करूंगा, फाइव है तो इसके नीचे ना 0 1 2 3 4 5 इसको डार्क करना है, ये फाइव को डार्क कर दिया, जो फाइव है इसको डार्क कर दीजिए आप, ये जो आपको फाइव दे रखा है इसको डार्क कर दीजिए, समझ में आ रहा है बेटे, एंड अच्छे से समझना है बेटे, क्योंकि ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, वहां पर अगर आप मिस्टेक करोगे तो बेटे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, समझ रहे हो। ये मैंने फाइव को डार्क कर दिया, इसी टाइप से इसमें वन को डार्क कर दीजिए, फिर जीरो तो जीरो, इसमें वन को डार्क करना होगा, इसको डार्क करना आपको, जो वन है इसको डार्क करना है, वन को डार्क करना है, एंड इसका जीरो जीरो को डार्क करना है, इस टाइप से आपको जो भी आपका रोल नंबर का जो डिजिट दे रखा है उसके अपॉन में आपको देखना है, उसी को आपको डार्क करना है बेटे, एंड यही चीज आपकी चेक होगी ओमर, ठीक है, यही चीज आपकी मशीन से चेक होगी, ऑप्टिकल मार्केटर से यही चीज चेक होगी बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे वन है वन को, फिर जीरो जीरो को, फिर थ्री थ्री को, फोर फाइव जो भी है उनको आपको डार्क करना है, एंड इसी टाइप से ये चीज समझ में आ गया, इसी टाइप से आपको करना क्या है, आपको जो एग्जाम सेंटर दे रखा है या आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है, एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड में या फोर डिजिट का आपके एडमिट कार्ड में, फाइव डिजिट का, सिक्स डिजिट का, जो भी है उतने बॉक्स आपको मिलेंगे, उतने बॉक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो जैसे मेरा एग्जाम सेंटर कोड है 123, 123 तो मैं क्या राइट करूंगा, जीरो, मैं क्या राइट करूंगा, 0 1 2 3, क्या राइट करेंगे, 0 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा, जीरो पे डार्क कर दो आप, पहले इसको जीरो को डार्क करना आपको, पहले आप जीरो को डार्क करेंगे, एंड इसके बाद वन को डार्क करेंगे, जीरो डार्क हो गया, एंड इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम वन, जीरो डार्क हो गया, फिर वन को डार्क कर दीजिए, जो वन दे रखा है इसको डार्क करना, जीरो के बाद वन, जीरो के बाद वन को डार्क करेंगे, ये आपको वन दे रखा है इसको आप डार्क कर दीजिए, यस ठीक है बेटे, ये आपका वन डार्क हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे जो आपको दे रखा है वन के बाद टू, तो इसी तरह से आपको टू को डार्क करना है, इसी टाइप से आपको थ्री को डार्क करना है, समझ रहे बड़े, इस टाइप से आपको डार्क करना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है, मैं आपको बता दे तो प्रॉपर एकदम आपको अच्छे से सर्कल करना है बेटे, आधा करोगे तब भी नहीं चलेगा, डोंट कर दे तब भी नहीं चलेगा, सही कर दिख करो तब भी नहीं चलेगा, एंड एक बार गलत हो जाए उसको आप काट के दूसरा करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्री है, थ्री में आप थ्री को कर देना, एंड इसी टाइप से आपका जो क्वेश्चन बुकलेट कोड 7 डिजिट या जितनी भी डिजिट का होगा वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर नंबर पे लिखा हुआ मिलेगा, जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो आपके पेपर पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे राइट करना है, एंड वैसे ही जो मैंने इस सीक्वेंस में डार्क किया उसी टाइप से आपको डार्क करना है,
इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है, इसे यहाँ पे बात कर ले, आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। जब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये आपका ऊपर का जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स आपने फिलअप करने के बाद नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्लास नाइन्थ में 150 तक होंगे एंड क्लास सिक्स में 125 तक होंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सबसे पहले कौन सा पेपर सोल्व करें, पहले कौन सा सब्जेक्ट करें। बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपको मैथ्स अच्छा लगता है पहले मैथ्स करिए, जीके अच्छा लग रहा है पहले जीके करिए, इंग्लिश अच्छा लग रहा है पहले इंग्लिश करिए, रीजनिंग अच्छा लगता है पहले रीजनिंग करिए, आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो पहले, ठीक है। बट मैं आपको बताया मैथ्स में थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम लगे, टाइम कंज्यूम होगा, एंड जीके में आपको उसके लिए 5 मिनट लगेंगे, जीके में उसके लिए 5 मिनट, क्योंकि जीके में क्वेश्चन रीड किया तो आपको पता लग जाएगा मुझे आता है नहीं आता है, रीड करते पता लग जाएगा। एंड करना क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टाइम आपको कैसे बचाना वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पेपर मिल गया, पेपर में देखा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को आ गया, तो पहले फर्स्ट को पूरा सर्कल करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट को पूरा सर्कल करेगा, बेटे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। करना क्या है, पेपर आपको मिलेगा घर लाने के लिए, तो पेपर में आप रफरक कीजिए, लास्ट में 2 या 3 पेज आपके रफरक के होंगे, एंड बाकी आप क्वेश्चन के बगल में भी आप रफरक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अंदर आप कितना रफरक करो कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर में जो भी क्वेश्चन हो गया उसको टिक मारो, फर्स्ट मेरा हो गया पेपर में ओमार्जिन में नहीं, एंड उसके जो भी करेक्ट आंसर उसके ऊपर सर्कल कर दो, बड़ा जो भी करेक्ट आंसर उस पर आप सर्कल कर दो, समझ रहे हो, उसके ऊपर आप सर्कल कर दो, एंड फिर आपको एक साथ कम से कम 20 to 30 या 20 to 25 क्वेश्चन एक साथ आपको फिलअप करना होगा। कैसे करना है, सपोज ग्रुप फर्स्ट स्टार्ट किया 10 क्वेश्चन कर लिए पेपर में, पेपर में कर लिया, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो स्टार्ट के क्वेश्चन आप कर रहे हो, 1 सेकंड जैसे स्टार्ट के क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, स्टार्ट के 10 क्वेश्चन आपने पेपर में कर लिए, तो आपको इसके अंदर करना क्या होगा, आप जो ओमार्कशीट है ओमार्कशीट में आप टिक मार दो हल्का सा, ओमार्कशीट में आप कर दो, फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन आ रहा सी करेक्ट, तो इसमें से कर दो सी, सेकंड आपने किया पेपर में तो सेकंड में जैसे मान लो बी आ रहा बी पे कर दो, थर्ड में बी आ रहा बी पे कर दो, फोर्थ फोर्थ में आपका डी आ रहा डी कर दो, फिफ्थ आपको नहीं आ रहा रहने दो, सिक्स आपने पेपर में कर लिया उसमें सर्कल कर दो, मैंने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन में भी सर्कल कर दो, एंड जो करेक्ट आंसर उस पर भी सर्कल कर दो, एंड इसमें थोड़ा डॉट कर दो आप, जैसे आपने कर दिया सिक्स के अंदर हल्का डॉट लगा दिया बी, बी करेक्ट आंसर, एंड सेवंथ में ए है, ऐसे करके आप कम से कम एक साथ 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे करिए, फिर एक साथ आप इनको अच्छे से कंप्लीट करिए बेटे, एंड आप 1 by 1 कंप्लीट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा बेटे, समझ रहे हो, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर आप एक साथ इनको कैसे कर सकते हो, ये फर्स्ट था अब आप इनको एक साथ कर सकते हो, फर्स्ट इसको अच्छे से पूरा डार्क कर दो सर्कल को, इससे आपका टाइम बचेगा बेटे, समझ रहे हो, इससे आपका टाइम बचेगा, एंड आप अगर 1 by 1 करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट में मैंने कर दिया अच्छे से, अब इसके बाद सेकंड में चलो, सेकंड में आपका बी था बी को आप अच्छे से डार्क कर दो, एक साथ डार्क करना भी मैक्सिमम, ठीक है, 1 by 1 नहीं करना, 1 by 1 करोगे तो आपको टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। एंड पेपर है, पेपर को भी आपको 1 राउंड में कंप्लीट नहीं करना, ऐसा नहीं कर फोर्थ क्वेश्चन में कर रहा हूँ मेरे को नहीं आ रहा हूँ उसमें लगा लूंगा, नहीं नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो उसको सेकंड राउंड में देख लो, इस टाइप से आपको सर्कल करना है, इस टाइप से आपको सर्कल करना है। एंड एक चीज मैंने बताया वो ध्यान देना है कि एक साथ इसमें आप ऐसे डॉट कर दो, आप पेपर में सोल्व करते दो और रफर में सोल्व करते दो, आपने सोल्व कर लिया उस पर सर्कल कर दो करेक्ट है, एंड फिर एक साथ सर्कल करोगे तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा आपके पास। पहले कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो, रफर की जरूरत पड़ती है कुछ भी आप पेपर में राइट कर सकते हो, कितना है आप वहां पर रफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड मिस्टेक नहीं करना, जब क्वेश्चन नहीं आता ऑप्शन को उठाओ, ऑप्शन सेट करो उसको, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आपका करेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा आपका करेक्ट हो, नहीं बन पा रहा ऑप्शन उठाएगा उसको सेट करो बेटे। एंड फर्स्ट राउंड में कर लो, फर्स्ट राउंड में 1 to 5 क्वेश्चन, जैसे 6 के 1 to 5 में फर्स्ट राउंड में आपने 100 क्वेश्चन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड राउंड में फिर से घूमो, जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पा रहा उनको थोड़ा टाइम दो, फिर उनको सोल्व करो, फिर भी नहीं बन पा रहा उनको छोड़ो, सेकंड राउंड में आपने मान लो 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, फिर लास्ट राउंड में फिर से घूमो, जो 10 क्वेश्चन बचे हुए उनको और भी टाइम दो, ऑप्शन उठा के देखो कैसे भी सेट करो, उनको सोल्व करना बेटे। एंड कोशिश करना मैथ्स में फुल मार्क्स, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ बहुत से बच्चों का मैथ्स में फुल मार्क्स लाना ही है बेटे, एंड सब कुछ पॉसिबल है, समझ रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि कौन कौन बच्चा मैथ्स में फुल मार्क्स लाएगा, किस किस को कॉन्फिडेंस है, किस किस को खुद पे इतना विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड इसके अलावा देखो ये ओमार्कशीट में आपको बताया कैसे फिलअप करना है, इसके बाद देखो जो ओमार्कशीट नीचे नीचे आपको क्या देगा, इसमें फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपके सिग्नेचर है एडमिट कार्ड में सिग्नेचर आपके हो रखे हैं, वही सिग्नेचर आपको यहाँ करने हैं एग्जामिनर के सामने, एग्जामिनर आपसे करवाएगा तो उस टाइम आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, समझ लो, एग्जामिनर के सामने अपना सिग्नेचर करना है, जिसमें मेरा सिग्नेचर होगा यहाँ पे,
तो आपका जो भी सिग्नेचर आपको सिग्नेचर करना है, समझ रहे हो, जो भी आपका सिग्नेचर आपको सिग्नेचर करना है, जो फॉर्म में भी किया हुआ आपको पता है। एंड ये आपको यहाँ पे मेथड दे रखा है करेक्ट, आप इस टाइप से फिलअप करोगे तो करेक्ट है, ये अगर हल्का ब्लैंक छोड़ दिया, बीच में ब्लैंक छोड़ दिया, क्रॉस कर दिया, सही कर टिक कर दिया, सब गलत मेथड है। ये इस टाइप से आपको डार्क कलर में आपको बता भी दिया है। नेक्स्ट फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्वेलेटर, यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो यहाँ पे खुद का सिग्नेचर करेगा, जो भी एग्जामिनर एग्जाम लेना वो यहाँ पे खुद का सिग्नेचर करेगा, ठीक है। एंड ये देखो ऑन मार्कशीट है, ये आपको बाद में जो आप मतलब जैसे आपने पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गया, आपको यकीन नहीं हो रहा क्योंकि पेपर सभी का अच्छा जाता है, रिजल्ट ही खराब आता, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, घर पे बोलते हैं कि पापा मेरे तो 270 बन रहे थे बट मेरे 210 नहीं आए, तो वहां पे आप 100 रुपीज की एक आरटीए लगती है, वो फिर आपको ये मार्कशीट देंगे, इसमें आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये इसके नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, बीच में कार्बन रहेगा, ये पार्ट नीचे रहेगा, ये आपको प्रोवाइड कराई रहेगी। फिर पापा चेक करेंगे कि बेटे आप बोले 270, ये तो आपको 210 नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो चीज है बेटे, तो झूठ नहीं बोलना आपको, जो भी जितना मार्क्स बनता है सभी जो पेपर से जो भी क्वेश्चन है सब पे सर्कल करके लेके आना है, फिर आपको हम चेक करवाएंगे, तो आंसर किसी आपको चेक करना है कि आपका ये स्कोर बना, हम एक एनालाइज कर सकते हैं आपका स्कोर ये बन रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड जो ओमआरसी इसमें फिलअप करने में कोई मिस्टेक नहीं करना है, आप मिस्टेक कर रहे हो तो ये मान लो कि मतलब फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा बेटे, ठीक है, तो आपको मिस्टेक करना ही नहीं है। एंड बहुत से बच्चे, देखो मैं एक चीज और बताया था, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे देखो मैं आपको बताता हूँ, एंड ये करके आते हैं मिस्टेक, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई बच्चा, उसने क्या किया कि इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, बी उसने भर दिया, फर्स्ट में उसने बी भर दिया कि बी करेक्ट है, उसने बी को डार्क कर दिया, बी भर दिया, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद पता लगा कि भैया यहाँ तो बी करेक्ट नहीं है, यहाँ तो डी करेक्ट होगा इसमें, उसको बाद में पता लगा कि बी मैंने गलत भर दिया, थोड़े गलत भर दिया तो वैसे ही गलत हो गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बी को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, कार्बन बना देते हैं एंड फिर डी पे करेक्ट कर देते हैं, तो ये बेटे यहाँ पे जो गलत तो हो ही है, मार्क्स तो आपको वैसे नहीं मिलेगा, तो जो आपकी ओमार्सिट उसको कार्बन नहीं बनाना है, गलत हो गया तो गलत हो ही गया, आप उसको काटने से वो सही नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो, तो गलत हो गया हो गया, इससे अच्छा पहले ही कोशिश करोगे ऐसी गलती ना करे, आप पहले ही कोशिश करोगे ऐसी गलती ना करे, अब भी उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। एक मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर डी है, उसने पहले बी कर दिया, फिर उसको काट रहा है, फिर डी को सर्कल कर रहा है, अब भी बेटे गलती है, तो आपको करना क्या है, पहले ही ध्यान दो कि मिस्टेक ना हो, ठीक है, पहले ही ध्यान दो कि गलती ना करे, अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर वो तो गलत हो ही गया, आप उसके बाद उसको क्रॉस करके और फिर बड़ी गलती और कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है बेटे। एंड कोशिश करना कि आपका अच्छा स्कोर बने सभी का, एंड सभी ने आपने अच्छे से मेहनत की है तो 100% बी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। भीड़ से दूर रहना है एग्जाम सेंटर पे, भीड़ में नहीं जाना, वो आपको डिमोटिवेट करेगी, ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड सबको बेस्ट ऑफ लक, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उन सभी को फॉलो करना है, ठीक है, एंड जो भी वहां पे कैरी करना है, जो उन्होंने बताया वो सारी चीज आपको कैरी करना है, जिससे आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड ये होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो ऊपर का परफॉर्मेंस चेंज कर सकता है एनडीए, ऊपर वालों कुछ चीजें वो चेंज कर सकता है बट जो नीचे जो परफॉर्मेंस है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, जो ये ऊपर का परफॉर्मेंस इसमें कुछ चेंज अपडेट कर सकता है एंड बाकी आपका सेम ही रहेगा। ये मार्कशीट आपकी एंड ये आपका कानून कॉपी इसको मार्कशीट का, तो अच्छे से फिलअप करना है, कोई गलती नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करना है, ठीक है। एंड फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक, मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करना है तभी मजा आएगा, ठीक है, बाय बेटे, बाय बाय।